हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी के अपने अपने माइक ऑन कर दीजिए। विवो नाम से कोई जुड़ा हुआ है प्लीज आपका नाम शेयर कीजिए। रेडमी गो के नाम से कोई जुड़ा हुआ है आप आपका नाम शेयर कीजिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग, आप आपके माइक को ऑन कीजिए और गुड मॉर्निंग कीजिए ताकि आपकी पहचान बन पाए सब लोग जुड़े हुए हैं या नहीं, समझ में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग मैम। दीपाली, गुड मॉर्निंग मैम। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। और बाकी के लोग, रेडमी गो के नाम से कौन जुड़ा है? माइक भी ऑन नहीं है उनका, माइक भी दिखाई नहीं दे रहा है। व्यू देखिए, आप अपने नामों के साथ जुड़िए। हम बार बार आपसे कहना चाहते हैं आप आपके नामों के साथ जुड़िए। उज्ज्वला और दीपाली, दीपाली है लाइन पर? हाँ मैम, हो हेलो। हाँ दीपाली, आप भी जुड़ी हो? हो ओके, वैशाली सावंत है। वैशाली सावंत, आप आपका माइक ऑन कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इन दोनों बच्चों का, मतलब वैशाली सावंत करके और विवो करके कोई जुड़ा हुआ है ना, पहचान बन पा रही है, बल्कि बाद में हम विवो 8003 का पहचान बना पाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल की तासिका में आपने जान चुके हैं कि हिंदी भाषा का विकास शायद आप उसे लर्न कर पाए भी होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। समझ में आया होगा, ट्रेलर या फिल्म देखने के लिए आप लोग लोलुप होंगे शायद, इसीलिए आप लोग जुड़े हैं। आज की तासिका में स्वागत है आपका। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जिसके हम चर्चा करने वाले हैं, तो पहले टॉपिक को शायद याद नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर से बताना चाहते हैं, भाषा का सैद्धांतिक विवेचन। देखिए दोस्तों, कल की तासिका में हमने देखा था कि भाषा के सैद्धांतिक विवेचन के संदर्भ में कि इसमें कौन कौन से पॉइंट जुड़ेंगे, कौन कौन से बिंदु के साथ हमें इसका विवेचन करना है। तो यहाँ एक जगह पर भाषा के सैद्धांतिक विवेचन में हमें देखना है कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है, भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, आदि प्रकार से चर्चा हम इस फर्स्ट इकाई में करने वाले हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस विकास के बारे में भाषा के स्वरूप के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। तो जैसे पता ही है कि भाषा आज मनुष्य के जीवन का अति आवश्यक अंग बन गई है, परंतु अति परिचय के कारण हम उसके स्वरूप को एवं महत्व को समझ ही नहीं पाते हैं। अति परिचय हो गया ना, मतलब गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक पता चल गया कि अलग अलग प्रकार की भाषाएं हम लोगों को आती हैं, हम उसकी पहचान भी कर पाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि यह जो भाषा है इसकी महत्ता क्या है और किस प्रकार से है। तो नागरी सभ्यता का विकास हुआ। अब देखिएगा, नागरी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, ये जो शॉर्ट में हम आपको समझाते हैं कि हम इस दायरे तक कैसे पहुंचे, है ना। एक प्रकार से यदि यहाँ एक जगह पर कहे कि हमारी स्थिति पहले आज जैसे थी, जैसे आज हम लोग आपके सामने खड़े हैं, आप आपके एक पर्सनालिटी के रूप में सामने आते हैं, तो क्या हम पहले ऐसे थे? नहीं, निश्चित ही तौर पर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले काल में, प्राचीन काल से लेकर आज तक की परंपरा यदि हम लोग लेते हैं, तो हम बंदर में थे। क्लियर हो रहा है आपको कि हमारी जो स्थिति थी वो बंदर के अनुरूप थी। फिर धीरे धीरे, फिर बंदर का आप लोगों को प्रारूप तैयार हो गया कि हम लोग चार पैरों पर चलते थे। और फिर जब बंदर को यह एहसास हुआ कि चलो इन दोनों पैरों का उपयोग हम किसी चीज को तोड़ने के लिए, खाने के लिए, कुछ चीज बनाने के लिए करते हैं, तो हम लोग खड़े हो गए। और फिर अलग अलग प्रकार का विकास हम लोगों में होता गया। वह दो पैरों पर चलने लगा, फिर उसे एहसास हुआ कि चलो हम अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ ना कोई कपड़ों का प्रबंध करवा ले। फिर वह पेड़ पत्तों के माध्यम से ही क्यों ना हो, उन सबको वह अपनाता चला गया। और इस प्रकार से नागरिक सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। और जैसे ही नागरिक सभ्यता का विकास मनुष्य के रूप में हुआ, ठीक उसी प्रकार से भाषा का भी तो विकास हुआ। अब देखिए, नागरिक सभ्यता का विकास हुआ तो प्राचीन काल में क्या इन बंदरों के पास कोई भाषा हुआ करती थी? नहीं दोस्तों, भाषा नहीं हुआ करती थी, पर फिर भी उन लोगों का प्रबंध तो बहुत अच्छे तरीके से बनता था। अब कैसे बनता था वो हम लोग आगे बताएंगे आपको। तो जिस प्रकार से मनुष्य ने अपना विकास किया, वह दो पैरों पर खड़े होने लगा, कपड़ों को वह परिधान करने लगा, आगे चलकर उसे अलग अलग प्रकार के इशारों के माध्यम से वह अभिव्यक्ति देने लगा,
हाँ जी, कोई और जुड़ रहा है? हमारी आवाज आ रही है दीपाली? हाँ मैम, आ रही है आवाज। आवाज आ रहा है? अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है बेटा आप सभी लोगों को? ओ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी आ रही है मैम आपकी आवाज। ओके ओके ओके, गुड गुड। ये क्लियर नहीं हाँ हो ठीक। पाता है यहाँ पर, मतलब आप उस पहले ही क्वेश्चन करना था, आवाज आ रही है नहीं आ रही है तो समझ में नहीं आया। चलो, तो हम लोग भाषा का सैद्धांतिक विवेचन के संदर्भ में हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि भाषा नागरिक सभ्यता के विकास की बात कर रहे थे कि नागरिक सभ्यता में हम लोगों ने, मनुष्य ने कौन कौन सा विकास किया। ओके, तो जब बंदर के रूप में था, बंदर का फिर धीरे धीरे वह मनुष्य के रूप में परिवर्तित हुआ, फिर मनुष्य ने अलग अलग प्रकार के तौर तरीकों को अपनाया, अलग अलग प्रकार के संसाधनों को अपनाया, और इंडस्ट्रियलता को, जब आज हम लोग पूरी इंडस्ट्री को देख पा रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन धीरे 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 क्या किया उन लोगों ने, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रयोगों के जरिए उन्होंने भाषा का सुधारित प्रारूप जो था उसे प्राप्त करने का सफल प्रयास किया। और जिस प्रकार से नागरिक सभ्यता का यह विकास हुआ, ठीक उसी प्रकार भाषा का भी विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब हम लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाषा मनुष्य के जीवन का अति आवश्यक अंग है, परंतु अति परिचय के कारण हम उसके स्वरूप को एवं महत्व को समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से नागरिक सभ्यता का विकास हुआ, ठीक उस नागरिक सभ्यता के विकास के पीछे भाषा का भी विकास होता हुआ दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं, मनुष्य प्राणी और मनुष्योत्तर प्राणी, इन दोनों में भिन्नता का लक्षण क्या है? तो केवल भाषा है। देखिए, मनुष्य प्राणी और मनुष्योत्तर प्राणी, अब मनुष्योत्तर प्राणी से तात्पर्य आर यू क्लियर कि मनुष्योत्तर प्राणी यानी कौन से, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, वगैरह वगैरह, दैट्स कॉल्ड मनुष्योत्तर प्राणी। तो मनुष्य प्राणी और मनुष्योत्तर प्राणी, इन दोनों में भिन्नता का लक्षण भाषा है। अब जब मनुष्य को भाषा माने वाणी का वरदान मिला, तो मनुष्य ने क्या किया, इन मनुष्योत्तर प्राणियों के साथ साथ भिन्नता का वह लक्षण एकमात्र प्राप्त हुआ क्योंकि वह मनुष्य को वाणी का वरदान प्राप्त हुआ, और जितनी भी जटिलता थी उन सभी जटिलता से वह अपने आप के रूप में सुरक्षित हो गया। और आज जब हम भाषा को इस स्थिति में प्राप्त कर रहे हैं, तो जैसे मतलब कि आज का जो दौर है कि मनुष्योत्तर प्राणियों का जो अंतर हमें भिन्नता का लक्षण दिखाई देता है, और आज का जो अंतर दिखाई देता है, तो इनमें और प्राचीन काल के अंतरों में आज हमारे पास अलग अलग प्रकार की भाषा है। आज का जो नव युवक है वह केवल अपनी मातृभाषा को ही आत्मसात नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रभाषा को आत्मसात करता है, बल्कि अनेक अनेक प्रकार की, अलग अलग प्रकार की भाषाओं को वह ज्ञात करता है। जैसे मुझे मराठी आती है तो मुझे हिंदी आनी चाहिए, हिंदी आती है तो अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी आती है तो जापानीज आनी चाहिए, जापानीज आती है तो स्पेनिश आनी चाहिए। इस प्रकार की अलग अलग भाषाओं को वह व्यक्ति सीखने का, आत्मसात करने का प्रयास करता है। दोस्तों, वर्तमान जगत की जो मनुष्य जाति है, वर्तमान जगत की मनुष्य जाति को विभाजित करने वाले प्रमुख रूप में पांच अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। अब वह मुख्य पांच बातें कौन सी हैं? अब ध्यान देकर सुनिएगा। पहली है धर्म, जाति। अब यदि आप लोग हो सके तो उसे एक तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, या आपके पास कॉपी बनी होगी तो उसे आप लिख लीजिए। संस्कृति, राष्ट्रीयता, और अंतिम है हमारा महत्वपूर्ण तत्व जो है वह भाषा। अब देखिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, भाषिक एकता के लिए हमारी यह भाषा होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और भाषा, इन दोनों का बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कल के इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने आपको बता दिया, आप लोग भली भांति जान चुके हैं कि भाषा का महत्व क्या है, और राष्ट्रीय एकता में भाषा का अनन्य साधारण महत्व होता है। तो वर्तमान जगत की महत्वपूर्ण चीजों में यह पांच बातें होती है, धर्म, जाति, संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं भाषा। अब यहां तक भाषा के स्वरूप में वह महत्व को समझ पाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो अगला पॉइंट है, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, भाषा शब्द क्या है। अब देखिए, भाषा या जो शब्द है, यह भाषा शब्द संस्कृत के भाष
धातु से बना हुआ है। और भाष का मतलब होता है बोलना या उच्चारण करना। ठीक है, अब बोलना या उच्चारण करना से तात्पर्य क्या है? भाषा, वक्ता तथा श्रोता। अब देखिए, हम दो चीजें आपको आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। पहली चीज कौन सी? कि भाषा भाष्य धातु से बना हुआ शब्द है और भाष्य शब्द का अर्थ होता है बोलना या उच्चारण करना। कोई प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो में? ऑडियो आवाज क्लियर आ रही है आपको? बड़े हम लोग आगे, दीपाली, विद्या, सुन रहे हो सभी लोग? आ रही मैम आपकी आवाज। विद्या, सोई तो नहीं हो? नहीं मैम। शायद दीपाली आ रही आपकी आवाज। दीपाली सो गई शायद? नहीं आ रही मैम। नहीं नहीं आ रही है। ओके, गुड गुड। भाषा शब्द का मतलब क्या है? तो भाषा भाष्य धातु से बना हुआ शब्द है और भाष्य का मतलब होता है बोलना और उच्चारण। बोलना, उच्चारना। यस। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा वक्ता और श्रोता इन दोनों के मध्य कार्य करती है। अब देखिएगा कि वक्ता और श्रोता यानी क्या है, है ना? वक्ता क्या कहलाता है? वक्ता यानी कौन? वक्ता यानी कौन? बोलने वाली व्यक्ति। वक्ता यानी कौन? बोलने वाली व्यक्ति। बोलने वाली व्यक्ति। वेरी नाइस। और श्रोता यानी कौन? दीपाली, सुनने वाली व्यक्ति। वेरी गुड। अब देखिए, हम दोनों का कनेक्शन कैसे हो रहा है? एक जगह पर आप क्या कर रहे हो? हेलो, आप बोल रही हो और हम सुन रहे हैं। वेरी गुड। मतलब अभी आपकी भूमिका कौन सी होगी? श्रोता। श्रोता की। श्रोता की। वेरी गुड। देखिए, यदि वक्ता, अब हम यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ। यहाँ तक समझ में आया सभी को? जी हाँ। आगे बढ़े हम लोग? यस मैम, समझ में आया। आगे बढ़े? यस मैम। अब देखिए, यहाँ तक हम आए कि भाषा शब्द का अर्थ क्या है। भाषा का अर्थ है, भाषा शब्द का अर्थ है भाष, संस्कृत के धातु से बना है, बोलना या उच्चारण करना। और भाषा वक्ता और श्रोता इन दोनों के मध्य कार्य करती है। यदि वक्ता, अब ध्यान में रखिएगा, यदि वक्ता और श्रोता एक ही समुदाय से हो, एक ही समुदाय से संबंधित हो, तो बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता हाँ, दोनों क्या कहलाएंगे? एक भाषा भाषी कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको? ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, फिर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा शब्द क्या है, भाषा शब्द कौन से धातु से बना है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, एक भाषा भाषी से तात्पर्य क्या है। तो एक भाषा भाषी से तात्पर्य है, यदि बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता एक ही समुदाय से संबंधित है, और बोलने वाला और सुनने वाला जो श्रोता है, बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता जब एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे एक भाषा भाषी। क्लियर हो गए? समझ में आया तात्पर्य? क्लियर हो गया आप लोगों को? यस मैम। वेरी गुड। भाषा में जब हम लोग केवल बोलते हैं, तो क्या केवल हम लोग बोलते हैं, विचार नहीं करते? तो भाषा में जब बोलने वाले के साथ साथ हम लोग विचार भी क्या करते हैं, और इसलिए भाषा यह जो है, यह भाषा एक यादृच्छिक व्यवस्था कहलाती है। भाषा कौन सी व्यवस्था कहलाती है? तो भाषा यादृच्छिक व्यवस्था कहलाती है। अब यादृच्छिक व्यवस्था से तात्पर्य क्या होगा? तो जैसा हम चाहे वैसा, मतलब जैसा है वैसा, यथार्थ पूर्ण। अब यादृच्छिक से तात्पर्य होता है कि यदि हमने आपको कहा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो आप क्या करोगे?
कल के उदाहरण को यदि हम सामने रखते हैं, 1-2 कप टी, तो चाय लेकर आओगे? नहीं, क्योंकि हमारा तात्पर्य आप समझ रहे हो, क्योंकि हमारी जो भाषा है आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से क्या हो पा रही है, मैच हो पा रही है। मतलब हम दोनों क्या हुए, एक भाषा भाषी हुए, और यहाँ की हमारी जो भाषा हुई वह यादृच्छिक व्यवस्था कहलाई। अब यह यादृच्छिक व्यवस्था कब कहलाएगी, जब हमारे साथ हमारी जो भाषा है वह भाषा हमारी सार्थक होगी। अब सार्थक शब्द से तात्पर्य क्या है आप समझ पा रहे हो? सार्थकता से तात्पर्य क्या होगा, दो शब्द जुड़ते हैं बेटा भाषा के साथ, कौन कौन से? एक तो पहला शब्द जुड़ता है सार्थकता, और दूसरा शब्द जुड़ता है निरर्थकता। अब सार्थकता से तात्पर्य क्या है, एनी गेस? आप लोग गेस कर सकते हो, कैन यू गेस? वैशाली की आवाज निरर्थक का मतलब है जिस निरर्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ ही नहीं। किस निरर्थक का मतलब है? वेरी गुड। और सार्थक का मतलब? अब जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। बोलो बोलो विद्या। निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं, और सार्थक का मतलब होता है जिसका जिसके अंदर बहुत सारा अर्थ छुपा हुआ होता है, उसका अर्थ सार्थकता। वेरी गुड। अब हो सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए अब हम लोग सार्थक और निरर्थकता पर चर्चा करते हैं कि सार्थक शब्द वह होते हैं जो कि वह भाषा के साथ जुड़े होते हैं। कल के तैसे काम में हमने आपको बताया था कि धातु सिद्धांत होता है, ध्वनि सिद्धांत होता है, जिसके बजने से मतलब बजने के माध्यम से भी भाषा का उत्पादन हो सकता है, भाषा की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा हमने कल के तैसे काम में कहा। तो आज यहाँ इस जगह पर सार्थक और निरर्थक इन दोनों शब्दों के भेद को हम आपके सम्मुख रखेंगे। अब सार्थक से तात्पर्य है, एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, सागर। अब सागर शब्द से तात्पर्य क्या होगा, आपको यदि बताया गया कि सागर शब्द के माध्यम से आप 5-5 वाक्य, 5-6 लोग जुड़े हुए हो, 5 लोग जुड़े हैं, तो 5-1-1 वाक्य आप तैयार कर दो। तो पहला वाक्य उज्ज्वला करेगी, कौन सा? कि सागर खाना खा रहा है। दीपाली बोलेगी कि सागर तो सो रहा है। वैशाली कहेगी सागर आज महाविद्यालय नहीं जाएगा, और विद्या कहेगी सागर तो आज मौज मस्ती के साथ रहेगा। वियो नाम का तो कोई पता नहीं है, तो सागर जो है वह सागर सो ही रहा है वियो की तरह। ओके, वियो सो गए क्या? वियो अपनी पहचान बनाइएगा प्लीज। अरे कौन है यार, बताओ तो सही। विवो, विवो यदि आप आपके नाम के साथ नहीं जुड़े, बात नहीं कर पाए, तो हम आपको रिमूव करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सार्थक शब्द क्लियर हो गया कि सार्थक शब्द सागर के तात्पर्य के माध्यम से प्राप्त हो रहा है आपको, कि सागर यह क्या है, दो चीजें यह इस जगह पर प्राप्त हो रही है सागर के नाम से। तो सागर यह एक व्यक्ति के तौर पर भी है, और दूसरा सागर होता है वह कि सागर समंदर के रूप में, सागर अत्यंत मनोरम है। तो यहाँ इस जगह पर एक व्यक्ति के नाम पर, व्यक्ति के नाम के आधार पर, और दूसरा जो है यह समंदर के नाम के आधार पर, मतलब तय है कि यह सार्थक शब्द है। लेकिन यदि हम उसमें विपरीत का भाव जोड़ देते हैं तो क्या होगा? अब सागर शब्द से तात्पर्य आप लोग समझ गए कि यह व्यक्ति भी हो सकता है और समंदर भी हो सकता है। जहां जाना है वहां पर आप जा सकते हो। यदि मैं सागर हूं तो मैं सागर माने विशाल, विशाल से तात्पर्य समंदर से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब निरर्थकता की बात कर रहे हैं, तो इन शब्दों को, इन ध्वनियों को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, विपर्य का भाव जोड़ देंगे। अब र ग सा और ग र सा, क्या इन दोनों शब्दों से कोई तात्पर्य निकल रहा है? क्या आप इससे कोई निकाल सकते हैं, कोई शब्द? शब्द तो है हमारे सामने, तो शब्द आ गए हैं, लेकिन क्या इससे अर्थ की प्रचिति हो रही है? समझ पा रहे हो आप लोग कि यहाँ इस जगह पर जब सागर जी नहीं अर्थ होता है, इस जगह पर हमें कुछ अर्थ नहीं होता। हाँ बोलिए, कोई बोलना चाहता है?
तो रगसा और गरसा इस प्रकार की सार्थकता और निरर्थकता को और यदि हम लोग देखते हैं तो रगसा और गरसा से कोई तात्पर्य नहीं निकलता, कोई अर्थ की प्रतीति नहीं होती। और जब जिस जगह पर शब्द होते हैं लेकिन अर्थ की प्रतीति हमारे साथ नहीं मिलती उसे ही हम क्या कहते हैं, रगसा के निरर्थक शब्द कहते हैं। और जहां पर अर्थ की पूरी पूरी शब्द की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं सार्थक शब्द। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, मिटाना है इसे, इसे मिटाना है दीपाली जी मैम। ओके जी मैम, किसी को कोई सवाल है यहां तक आते हुए, यहां तक आते हुए किसी को कोई सवाल है क्या, आगे बढ़े क्या हम लोग? यस मैम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ना है, रुकना है, ब्रेक लेना है, पीछे जाना है, पीछे जाना है क्या? नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं, वैशाली क्या आवाज आ गई? तो मनुष्य अब सार्थक और निरर्थक को भी प्राप्त हो गए। भाषा देखिए, आज हमने कौन कौन से बिंदुओं को देखा, भाषा को देखा, भाषा शब्द की उत्पत्ति को देखा, भाषा के स्वरूप को देखा, भाषा के महत्व को देखा। अब हम धीरे 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 जा रहे हैं भाषा की परिभाषाओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि क्या मनुष्य ने इतना विकास किया, नागरिक सभ्यता का विकास हुआ, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य के पास ये, जैसे हम और आप आज बोल रहे हो जी मैम, नहीं मैम, हाँ मैम, जो भी है मैम, तो इस प्रकार के शब्द क्या उन लोगों के पास थे? नहीं। तो निश्चित ही तौर पर जब उस व्यक्ति के पास कोई शब्द नहीं होते हैं पर फिर भी हम अपनी बातों के माध्यम से नहीं बल्कि इशारों के माध्यम से हम अपने वक्तव्य को, अपने मन को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। कैसे? तो मनुष्य बिना बोले भी कभी कभी अपने शब्दों, अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। अब अपनी बात को अभिव्यक्त करने के तरीके कैसे होते देखिएगा, जब हम अपराध करते हैं है ना, अपराध के कारण बड़ों के सामने हम ऐसे खड़े होते हैं कि तन के हमारी गर्दन जो है ऐसे तो हमारी गर्दन सिर झुकाए हम लोग खड़े रहते हैं। या चौराहे पर पुलिस जो होता है वह पुलिस सिपाही को हाथों से जो भी इशारा करता है उसके ओर संकेत करता है। या यह भी कह सकते हैं कि अब देखिए जो भी कोई अपराध करते हैं तो पिता अपनी पुत्री की तरफ घूरती हुई आंखों से देखते हैं है ना, और जो शिक्षक होता है, अब आप लोग जान चुके हैं कि शिक्षक का मेज पर जोर जोर से हाथ पटकना, ऐसे हाथ पटकता है शिक्षक। अब क्या होता है इसे, शिक्षक के मेज का हाथ पटकना क्या सलाह देता है, क्या मतलब परामर्श क्या निकलता, कोई ना कोई तो चीजें हो रही है यहाँ इस जगह पर। तो यह हम कहेंगे कि गार्ड का हरी झंडे दिखाना, लाल झंडे दिखाना, या हम लोग रास्ते से चल रहे हैं तो रास्ते से चलते हुए एक लोहे के खंभे पर एक छोटा सा स्कूल का बैग लेकर एक बच्चे को दिखाना, तो क्या है रीजन यहाँ का इस प्रकार का? तो यहाँ इस जगह पर जो है वह भाषा तो है लेकिन वह भाषा निश्चित ही तौर पर इशारों की अभिव्यक्ति है। और दोस्तों इस प्रकार की इशारों की अभिव्यक्ति की जो भाषा थी वह प्राचीन काल से चली आ रही थी, नागरी सभ्यता के विकास ने उसे दोहराया रूप दे दिया। और जिस प्रकार से मनुष्य के पास उपस्थित, यदि मनुष्य के पास भाषा है तो निश्चित ही तौर पर जब व्यक्ति पर कोई ना कोई खतरा मंडराता है या कोई ना कोई संकट आता है तो उस संकट के समय मनुष्य क्या करता है, भाषा को आत्मसात करता है, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। या यदि हम कहें कि दीपाली को कोई प्रॉब्लम है तो दीपाली अपने मन ही मन में कुटती नहीं रहेगी, दीपाली क्या करेगी, उज्ज्वला के साथ अपने दिल की बातों को, अपने जज्बातों को शेयर करेगी, अभिव्यक्त करेगी। और जब वह अपनी बातों को व्यक्त करेगी तो उसे ही क्या कहा जाता है, व्यक्त वाक कहा जाता है। दोस्तों ये सारे जो छोटे छोटे शब्द हम आपको कहवा रहे हैं, जिस जगह पे अंडरलाइन कर रहे हैं, यदि आपके पास एक छोटी कॉपी होगी पुरानी ही सही लेकिन आप उसमें लिख लीजिएगा ताकि ये सारे जो शब्द हैं इसमें एकोत्तरी प्रश्न मनुष्य जब आपकी होती है तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो जब भाषा एक भाषावाची को हम लोगों ने पहले देखा, या इस जगह पर मनुष्य जब व्यक्त करता है अपनी बातों को, अपने जज्बातों को, अपने दिल के विचारों को, जब वो दूसरों के माध्यम से व्यक्त करता है तो उसे व्यक्तवाक कहा जाता है। अब देखिए, आप सब हम सभी लोग अपने घर पर हैं, तो यदि हम छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहेंगे कि आपके आंगन में आपकी मम्मी ने या आपने खुद ही ने, यदि आप काम करते होगे तो अच्छी बच्ची है वैसे काम करती होगी, पता नहीं, अब आपके पेरेंट्स से जब मुलाकात होगी तब पता चल जाएगा। तो यदि आपने अपने घर के आंगन में दानों को डाल दिया है, चाहे ज्वार हो, चाहे गेहूं हो, जो भी किसी भी प्रकार का अनाज हो, तो आपने यदि उस जगह पे अनाज को डाल दिया है तो क्या होता है, अचानक से एक चिड़िया आती है ना, और वह चिड़िया आती है, दाना चुगती है और ऊपर चली जाती है, बार बार आती है, दाना चुगती है, ऊपर चली जाती है। लेकिन उससे यदि पता चला कि हम पर कोई संकट मंडरा रहा है तो वो क्या करेगी, क्या करेगी, कैन यू गेस क्या करेगी, बता सकते हो आप लोग क्या करेगी वो चिड़िया? मेरे सब बच्चे सो गए क्या? चिड़िया की तरह उड़ गई क्या? नहीं मैं हाँ बोलो, फिर क्या करेगी वो चिड़िया? अपनी जान बचाएगी। कैसे बचाएगी? वेरी गुड, कैसे बचाएगी, क्या करती है, क्या? देखिए, हमने आपको कल भी बताया बेटा कि ये जो भाषा का लेक्चर है यह आपसे जुड़ा, आपके परिवार से जुड़ा, आपके परिवेश से जुड़ा है ना, आपके रिश्तेदारों के साथ जुड़ा है, आपके पूरे समाज के साथ जुड़ा है। तो चिड़िया तो हमने अपने भाषा विज्ञान की बुक में नहीं लाई, अब यह तो अपने समाज का उदाहरण हमने आपको बताया और जनरल सब्जेक्ट है, बिल्कुल आप आपके मम्मी से भी पूछोगे ना तो आप तुरंत पता चलो ठीक है, टाइम लिमिटेशन है, हम ही बता देते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं, वो अपने आप को कैसे बचाती है, सुनिएगा। तो वह चिड़िया क्या करती है, तो वह चिड़िया ऊपर चली जाती है, एक दाना चुगती है और पेड़ पर ऊपरी तौर पर चली जाती है, जोर जोर से आवाज देती है, है ना, देते हैं ना। तो एक चिड़िया आती है उसी के साथ, वो भी आवाज देने लगती है, दूसरी चिड़िया आती है वो भी आवाज देने लगती है, तीसरी आती, चौथी आती, करते 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 उनका एक समूह तैयार हो जाता है, और वह जो समूह होता है वह एक दूसरे के साथ अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर पाता है, खतरा जो उन पर मंडरा रहा है, जो संकट उन पर मंडरा रहा है, उसका वह क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो उनकी जो अभिव्यक्ति है वह बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पाते हैं, तो उनकी जो होती है उसे अव्यक्त वाक कहा जाता है, उनकी अभिव्यक्ति को, उनके बोलने को अव्यक्त वाक कहा जाता है। एक जगह पर हमने देख लिया कि जब मनुष्य बोलता है तो मनुष्य अपने विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, तो मनुष्य की भाषा को व्यक्त वाक कहा जाता है, जो अपनी अभिव्यक्ति को वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, सोचने के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। लेकिन इन पंछियों के पास, गौरैया के पास, चिड़िया के पास ऐसा कोई साधन नहीं होता, लेकिन वो चुपचाप पेड़ पर चली जाती, जोर जोर से आवाज देती, और जोर जोर की आवाज का मतलब तय होता है कि उन पर कोई संकट मंडरा रहा है, सारे लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई खतरा है, और फिर उनकी जो वाणी है उसे क्या कहा जाएगा, अव्यक्त वाक कहा जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ आपको, समझ में आया? भाषा का स्वरूप अत्यंत व्यापक है, जितना वो व्यापक है उतना ही सूक्ष्म भी, और इसीलिए इसे परिभाषा की परिधि में हम बांध नहीं सकते हैं। लेकिन कई ऐसे भाषा वैज्ञानिक हैं, जैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी है, जैसे डॉक्टर ए गार्डनर है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, डॉक्टर तिलक सिंह है, इन्होंने क्या किया, भाषा को परिभाषा में बांधने का सफल प्रयास किया। अब हम यहाँ इस जगह पर भाषा के पारिभाषिकार जो थे उनका भी नामकरण बताएंगे, और दिल थाम कर बैठिएगा, ये जो पहला टॉपिक होता है उस पर 101% बड़े दावे के साथ कहना चाहेंगे कि इस पर आपको पहला प्रश्न पूछा ही जाता है।
भाषा की परिभाषाएं बताकर भाषा की विशेषताओं को सुधारण स्पष्ट कीजिए। या ऐसा भी आपका प्रश्न हो सकता है, भाषा के स्वरूप एवं महत्व की चर्चा कीजिए। दो प्रश्न आपके तैयार हो गए। पहला प्रश्न आपका फुल्ली तैयार हो गया है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति क्या है और भाषा शब्द के स्वरूप एवं महत्व को हम लोग चर्चा करें। अब यह पहला टॉपिक, पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया। इस प्रश्न के संदर्भ में किसी को कोई जानकारी चाहिए और कोई प्रश्न है आपके दिल में, आपके माइंड में? इतना क्लियर हुआ है? जब तक बोलोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वियोग को नाम से कोई जुड़ा है, हम जानना चाहेंगे कौन जुड़ा है। यार बात तो कर लीजिए आप, कोई जुड़ा हुआ है? जुड़ा है या जोड़कर रख दिया है किसी जगह पर? अरे बोलोगे भाई, रिमूव हो जाओगे, है ना। कल यदि आप अपने नाम के साथ नहीं जुड़े तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। हम बार बार बताना चाहेंगे कि आप आपके नाम के साथ जुड़िए, आपका अटेंडेंस मस्ट है। और यदि नहीं आता है आपको, मुझे पता है कि अभी इतनी फैसिलिटीज अब तक नहीं थी, तो शायद ये नई जो प्रविधि है इसे पढ़ने के लिए भी, जानने के लिए भी बहुत कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन बेटा एक ही घंटा अपना लेक्चर होता है, उसके बाद में फ्री ऑफ है सारा, गूगल पर डाल देते हो तो सारी जानकारी अपने आप आपको मिल जाएगी। तो आप पहले सीख लीजिए कि रीनेम होता है ना, जब आप डालते हो उसमें तो दो पॉइंट्स आते हैं, उसमें आप यदि एंटर होते हो तो इसमें रीनेम नाम के आता है। और उस रीनेम में विद्या आप जानते हो क्या, इनको आप बता दीजिएगा आज, है ना, कौन है? तो मुझे नहीं पता। विद्या जी मैम, आप आपके कैमरे को ऑन कर सकते हैं बेटा। पहला पॉइंट हमारा हो गया, अभी कैमरे को ऑन कीजिए आपके, हम भी आपको देख पाए। कितने प्यारे विद्या हमारी, आप आपके कैमरे को ऑन कर दीजिए। ओके, सभी से देख, सभी को मिलना चाहते हैं। एक फोटो हो जाए आपके साथ। हाँ विद्या हो, ओके विद्या जुड़ गए, वेरी गुड। उज्ज्वला, वैशाली, चलो दिखाओ यार अपने अपने चेहरे दिखाए। अच्छा विवो, क्या नाम है बेटा आपका? आपका नाम बताइए। विद्या आपका कैमरा ऑन कीजिए। हाँ दीपाली आपका कैमरा ऑन कीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और वैशाली, उज्ज्वला, विद्या बार बार क्यों ऑफ हो रही है? सारे लोग दिखने चाहिए। वैशाली और उज्ज्वला दोनों जल्दी आ जाइए। कोई बात नहीं, कहीं किसी जगह पर नहीं डलवाएंगे। उज्ज्वला, ओके आप उज्ज्वला हो, वैशाली कौन है? ये व्यू का नाम नहीं क्लियर हुआ बेटा, आपका नाम बताइएगा। आपने अनम्यूट कर दिया आपने आपको, आप बोलिए बोलिए, आपके स्पीकर ऑन कर दीजिए, बोलिए। अच्छा वैशाली, वेरी गुड, स्क्रीन शॉट हो जाए। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर हो रहा है? नहीं नहीं क्लियर नहीं हो रहा है? हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? जी मैम, सबको समझ में आ रहा है? जी मैम, यस आ रहा है। जाना है वापस रिटर्न जाना है, भाषा शब्द पर जाना है जी, रिटर्न जाना है भाषा शब्द पर या भाषा की परिभाषा पर चलना है? भाषा की परिभाषा, वेरी गुड। चलिए अब आपके कैमरे को आप ऑफ कर दीजिएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिटेशंस तो नहीं है ना इसमें, कंटिन्यू करना है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा की परिभाषा में
अलग अलग प्रकार के परिभाषिकार रहे, जिसमें सबसे पहले है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में प्राण होते हैं, आत्मा हमारा प्राण तत्व माना जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से यह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो है ना, ये अपने भाषा विज्ञान की नींव है। मतलब जितने भी कोई भी जितने डिसीजन उस समय में हुआ करते थे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी को सारे लोग पूछा करते थे, उन्हीं के अनुरूप सारे कार्य चला करते थे। तो इनका क्या कहना है, दिल धाम कर बैठिएगा, सुनिएगा, सोइएगा मत, क्योंकि हो सकता है बेटा कि इसी पर आपका आज का गूगल फॉर्म। हाँ, और एक चीज आपसे डिस्कस करना भूल गए, आप लोगों ने गूगल फॉर्म फिलअप कर लिया है ना, सभी ने नहीं किया होगा तो टाइम लिमिटेशन हम हटा देंगे, और वो गूगल फॉर्म आपको जरूर फिल करना है, कल का भी और आज का भी। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं, लिख लीजिए यदि आप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ये तो रिकॉर्डेड शायद यदि मिल गया रिकॉर्डेड हमारा तो आपको हम डाल ही देंगे गूगल क्लासरूम पे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन नहीं मिल पाता है तो आपके पास आपकी बुक में आज का जो राइटिंग है यह होना नितांत आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। क्या कहते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कहना है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं, या सोचते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। अब इसे रट्टा लगा लीजिएगा, घर के कोने में कहीं ना कहीं आपके पास आपके बुक में कॉपी में ये लिखा हुआ होना चाहिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा, भाषा शब्द का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। अब क्लियर हो गया आपको कि भाषा ऐसा साधन माना जाता है जो अपने विचारों को दूसरों पर क्या करता है, व्यक्त करता है। हमने आपको बता दिया कि मुझे भूख लगी है, आपको यदि भूख लगी तो आप तुरंत आपकी मम्मा को कहोगे मम्मी मुझे भूख लगी, या अपने हाथों से जाओ और खाना खा लो। मतलब क्या है कि अपने विचारों को हम क्या करते हैं, दूसरों पर अभिव्यक्त करते हैं, और तुरंत क्या करते हैं, दिमाग फिर सोचने लग जाता है कि हाँ इन्होंने कुछ चीज मुझे मांगी थी, और कौन सी चीज मांगी थी, तो पानी मांगा था, चलो दे देते हैं पानी इनको। मतलब क्या है कि भाषा, फिर से एक बार हम आपको रिपीट करना चाहेंगे, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। क्लियर हो गई पहली डेफिनेशन, समझ में आ गई आपको, एनी डाउट? दो मैम। ओके, बड़े हम लोग आगे। हाँ ओके, अब हमारी दूसरी जो परिभाषा है, दूसरे परिभाषिकार जो है वह है हमारे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। याद कर लीजिएगा इन सभी को, यह प्रश्न जो है वो अनिवार्य रूप से आपको पूछा ही जाता है, लेकिन हाँ ये प्रश्न आता ही है, भाषा शब्द की शब्द अर्थ और व्युत्पत्ति और परिभाषा। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का कहना है, जीन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। अब देखिए पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, दूसरों पर व्यक्त करता है या सोचता है। दूसरे परिभाषिकार है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। अब इनका क्या कहना है कि जीन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, ध्वनि चिन्हों को आत्मसात किया,
अब यह ध्वनि चिन्ह कौन से हैं? जिस प्रकार से यदि आप दोनों को बात करनी है, आप एक ही बेंच पर बैठ चुके हैं, कौन? दीपाली और उज्ज्वला, और दोनों में क्या चल रही? कुसर फुसर चलती है ना, बातें करते हो ना, बीच बीच में लेक्चर्स इधर शुरू है और हम लोग कहीं किसी जगह पर चले जाते, पता है हमें, हम लोग चले जाते हैं। अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं लेक्चर्स के लिए, हमारे हमने कानों में तो डाल दिए है, कहीं ना कहीं सुन रहे, लेकिन पता नहीं चल रहा है कोई आ रहा है जा रहा है या बाहर कोई आवाज आ रही, तो उधर भी हम लोगों का चित्त चला जाता होता है ना ऐसा। तो यहाँ एक जगह पर जितने भी ध्वनि चिन्ह होते हैं, तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, अब विचार विनिमय माने क्या, यहाँ हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया है ना। जैसे हमने आपको बताया कि चलो आप आपका ऑडियो नहीं बल्कि आपका वीडियो दिखा दो, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो ये क्या हुआ, हमने आदान प्रदान किया, एक तो भाषा के जरिए, ध्वनि चिन्हों के जरिए, और दूसरे किस प्रकार से अपने विचारों के माध्यम से एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त किया। मतलब तय है कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी का कहना जो है कि उनका कहना है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा आप लर्न करते जाइएगा, अभी आपके पास समय ही समय है। तो यहाँ इस जगह पर बाबूराम सक्सेना ने कहा हुआ है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू करना है ना, कंटिन्यू करना है? यस मैम, यस मैम। ये मिटाना है ना, याद कर पाए कोई भाषा की परिभाषा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा को कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं अथवा व्यक्त करते हैं। वेरी गुड। और दूसरी परिभाषा दीपाली, उज्ज्वला, सो गए क्या? कौन है दूसरे पारिभाषिकार, कौन है? वैशाली, डॉक्टर बाबूराव सक्सेना। केवल विद्या ही बात करेगी, बाकी के लोग कहाँ चले गए? दीपाली, लगता है सब सो गए। देखिए ना, सब सो गए। वैशाली, उज्ज्वला, वेरी गुड। कोई नहीं, आवाज ही नहीं है, कहाँ चले गए सब लोग? आगे जाने से मतलब नहीं आ रही यार, दो परिभाषाएं बताई एक ही को। हाँ चलिए, विद्या आपको याद आ रही है बेटा, आप बता सकते हो? विद्या, विद्या आप ही सो गए क्या? नहीं मैम। हाँ बोलिए। जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचारों को विचार परस्पर विचार विनिमय करता है उसे उसे संपूर्ण रूप से भाषा कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, हम ही बजा लेते, ये लोग तो सो गए हैं, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़े हम लोग, या कोई बात नहीं, लेक्चर है कोई दूसरा, और कोई लेक्चर का टाइमिंग रखा हुआ है आपका? विद्या कोई लेक्चर का टाइमिंग रखा हुआ है? आगे बढ़िए, नहीं नहीं कंटिन्यू करना है ना। लेकिन ये बच्चियां चली कहाँ गई? वैशाली चली गई, दीपाली चली गई, उज्ज्वला चली गई, तो कर लेना है क्या लेक्चर? जी मैम, कल ही लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन कल के अभी मेरे आप सभी लोगों को जुड़ना है, और जिस प्रकार से आज आप बिल्कुल उचित समय पर जुड़ गए, वैसे ही कल भी आप लोगों को सभी को जुड़ना है, गूगल फॉर्म को फिलअप जरूर करना है, ताकि जो आपका अटेंडेंस होगा या अटेंडेंस फर्स्ट होगा। चलिए, मिलते हैं कल के दिन, बाय मैम।